अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सालिया। आज मैं आपको वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये है तो एक इटालियन डिश, लेकिन पाकिस्तानी स्टाइल से हम बनाएंगे इसको। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, चिली सॉस 2 चाय के चम्मच, नमक हसबे जायका, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच, एक 125 ग्राम मक्खन ले लें, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले लें, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच काली मिर्च, आधा किलो चिकन ले लें बोनलेस ले लें और उसे छोटे छोटे क्यूब में काट लें, और पास्ता ले लें 250 ग्राम पास्ता और इसको बॉईल कर लें। और पानी, और आधा कप पानी। सबसे पहले देसी में पानी डालें, वो बॉईल हो जाए, उसके अंदर नमक डालें, इसके बाद 1 चम्मच ऑयल का डालें, और उसके बाद आप पास्ता डालें। याद रहे कि ठंडे पानी में आपने पास्ता नहीं डालना। अगर आप ठंडे पानी में पास्ता डालेंगे तो आपका पास्ता ख़राब हो जाएगा। जब एक दो बॉईल आए तो उसके बाद ही आप पास्ता डालें, और इसको अच्छे से हिलाएं ताकि जुड़े नहीं। अब एक अलग पैन में ऑयल डालें और उसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालें, और इतना फ्राई करें कि लाइट ब्राउन हो जाए, कि एक लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद चिकन डालें, और चिकन को भी इस तरह पकाएं कि चिकन आपका हाफ डन हो जाए। नमक डालें, काली मिर्च डालें, कुटी हुई लाल मिर्च डालें, सोया सॉस डालें, चिली सॉस डालें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। याद रहे वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए जो हम सॉस बनाएंगे वही इंग्रेडिएंट सॉस में भी डालेंगे जो इस चिकन में हमने डाले हैं। अब इसको अच्छे से पका लें कि ताकि आपकी चिकन गल जाए और ये सारा पानी ड्राई हो जाए।
अब एक अलग पैन में मक्खन डालें और उसको अच्छे से मेल्ट होने दें। इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का डालें। अब जो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के थे वो मैंने इसमें डाले और इसको अच्छे तरह भून लें। आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ ऑयल कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और डाला। और इसको अच्छे से भूने कि ताकि इसका कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि आपका पास्ता येलो येलो टाइप बन जाएगा। अब ये अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध करके बीटर से आप मिक्स करें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। और ये थिक होता रहेगा। अब ये गाढ़ा हो गया, हमने फिर थोड़ा सा दूध डाला और फिर इसको हमने बीट कर लिया। उसके बाद जो बाकी स्पाइसेस है वो हमने दोबारा से इसके अंदर डालने हैं। सॉस में हमने काली मिर्च डाली, इसके बाद नमक डाला, चिली सॉस डाली, सोया सॉस डाली और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली हमने इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जो चिकन हमने बनाया था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और जो बॉयल पास्ता था वो भी हमने साथ मिक्स कर लिया। और अच्छे से मिक्स करें कि सारी सॉस, पास्ता और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएं।
लीजिए, हमारा वाइट सॉस पास्ता पाकिस्तानी स्टाइल में रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें फीडबैक देना मत भूलें, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। शुक्रिया।